किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी के एक नए गेहूं बीज श्री राम सुपर 5SR05 के बारे में। यह काफ़ी उम्दा वैरायटी है। यह गर्मी और गंभीर बीमारियों के लिए जबरदस्त संसील है। पैदावारी का मास्टर भी इसे कहा जा रहा है। तो आज हम इस गेहूं बीज के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों, श्री राम सुपर 5SR05 श्री राम कंपनी की एक नई गेहूं की संशोधित किस्म है। इस वर्ष यह मार्केट में उपलब्ध है। इसकी जो फसल अवधि है वह 125 से लेकर 130 दिन की है। इसके पौधे की हाइट 95 सेंटीमीटर तक होती है। पौधा हाइट में मध्यम और तने का मजबूत होने के कारण फसल गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह पीला भूरा रतुआ बीमारी के लिए जबरदस्त सहनशील है। इसमें कुल 3 से लेकर 4 सिंचाई की आवश्यकता होगी। कंपनी का कहना है कि इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक है, यानी गर्म पछुआ हवा की वजह से दाने मरेंगे नहीं। फसल पकाओ तक इसके पौधे का झंडा पत्ता हरा रहता है, इससे दानों को पोषण की कमी नहीं होती है। इसकी बाली श्री राम सुपर 303 की तरह लंबी और 80 से 90 दाने तक एक बाली में होते हैं, जो एक बहुत अच्छी संख्या है। दाने कठोर, बड़े एवं चमकदार होते हैं। इसके 1000 दानों का वजन लगभग 48 ग्राम तक होता है। इसके पौधे से औसत कल्ले 12 से 15 तक मिल जाते हैं। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस किस्म की बुआई हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां गेहूं की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। इस किस्म की बुआई 25 अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर भर किया जा सकता है। इसका फसल प्रदर्शन बिल्कुल श्री राम सुपर 303 की ही तरह होता है। बीज बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि यह श्री राम सुपर 303 का एक नया वर्जन है, इसलिए इसे लगाना ज़्यादा फायदा का सौदा होगा। किसान भाइयों, चूँकि श्री राम सुपर 5SR05 श्री राम जैसी अच्छी कंपनी का बीज है, इसलिए इसे गेहूं की अच्छी पैदावारी के लिए विश्वास के साथ लगाया जा सकता है। इससे गेहूं की प्रति एकड़ औसत पैदावारी 20 से लेकर 25 क्विंटल तक मिल सकती है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।